करण कुंद्रा ने बोली दोस्तों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर के बारे में एक बड़ी बात, एक ऐसी बात जो कि आप लोगों को लगेगी कि आप चाहेंगे मतलब वो चीजें देखना। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, आप मुझे वहां पर फॉलो जरूर करें। दोस्तों बात करें अगर करण कुंद्रा की, तो करण कुंद्रा ने कल से ही हेडलाइंस बटोरनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से उसने प्रतीक सेजपाल को अपनी उंगली पे ही नचा दिया, जिस तरीके से करण कुंद्रा का हैशटैग चल रहा है, जिस तरीके से 6 अलग अलग कंट्रियों में करण कुंद्रा का राज है, वो लाजवाब है। अब घर में जाने से पहले अनुषा दांडेकर जो कि करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिनका ब्रेकअप अभी हुआ पिछले साल हुआ आई गेस, और रीजन कुछ ऐसा था कि चीट हो रहा था समथिंग लाइक दैट। तो अब करण कुंद्रा से पूछा जाता है कि अगर वो आई तो शो पे आपका क्या हश्र होगा, क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे, आपको डर तो नहीं है? इस बारे में करण कुंद्रा साहब बात करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं दोस्तों, आई हैव डन इनफ शोज टू रियलाइज दैट इज द सिचुएशन विच प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एन इमोशनल डिसीजन। आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन लाइक दैट। आई वुड माई सेल्फ एडवाइस पीपल टू टेक डिसीजन वाइजली, बिकॉज कल ये शो खत्म होगा, तुम्हारे पास तुम्हारे फोन्स वापस आ जाएंगे, तुम्हारी बाहर की दुनिया वापस आ जाएगी। अभी क्या है तुम्हारी दुनिया, ये 5 लोग हैं, योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स। फिर उसके बाद वो कहते हैं, सो आई सी अ मैच्योर पर्सन एंड इफ देयर इज कनेक्शन विच माइट हैपन बाय वर्च्यू ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हाउसमेट्स, अगर मुझे डाउट हुआ या ट्रस्ट इश्यूज हुआ कि एवरीथिंग विल चेंज एवरीथिंग सो सून एज द पर्सन विल गेट हर फोन, then I doubt anything will happen. Even if something happen, it will depend on how mature the other person is. Karan Kundra ने आगे ये भी कहा है कि I don't mind having Anusha Dandekar as a wild card contestant in the show. हम साथ रहे हैं, वो ये बात को add करते हैं। आपका क्या reaction है, जरूर बताएं।